एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ भाई, आज देख रहे होंगे ना, वहाँ के रेडी हूँ, क्योंकि क्या हो गया कि कल आप लोग को गुड नाइट बोल के मैंने खूब सारी ऑयलिंग कर दी थी। कल तो बड़ा अच्छा लग गया भाई, बहुत दिन बाद ऑयलिंग करी थी, लेकिन फिर सुबह उठ के इतनी गर्मी लगने लग गई थी। वो युवान को यहाँ वहाँ, युवान सुबह जल्दी उठ गए थे तो उसके पीछे भागा भागी करने में, उनका भैया सबसे पहले तो नहाना है, तेल से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद देखेंगे जो देखेंगे करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी वो पीछे ये रखी हुई है, अभी बहुत सारे है ना केक बोर्ड्स, मेरे पास कुछ चार पांच आ गए अभी तो। रिसेंटली इतने इवेंट्स हुए, आप लोगों को पता ही है, तो उस चक्कर में बहुत सारे DIY मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो भी बनाने हैं, तो जल्द आपको वो देखने मिलेंगे। फिर मैं इकट्ठा इनको किसी वॉल पर अच्छे से प्लेस करूँगी, सोचा है कुछ कुछ, देखो कैसे वर्कआउट होता है। अब भाई आज का दिन देखते हैं, अब आज हम क्या करते हैं। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ नाश्ता करने, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। कहीं जा रहे हैं कि वहाँ को स्विमिंग पूल भी जाना था, बहुत सारी चीज़ें, उसको पूल में ही जाना है बहुत दिन से, तो अगर मन कुछ नहीं माना, थके हुए लगे तो भाई पूल है, पार्टी होगी आज, लेट्स सी क्या होता है। हमारा लंच देखिए, ये पालक और आम दिवस है, ये पालक की दाल, आलू पालक की सब्ज़ी, ये आम का खट्टा मीठा अचार जो कि बह चुका है आम, और ये रायता है जिसमें बीटरूट, ककड़ी, दही सब डाला हुआ है। मतलब ये लग रहा है कोई होटल की थाली खा रही हूँ आज मैं भाई। अब इतना खाना खाने के बाद कहीं निकलने का इस समय तो कोई मूड ही नहीं बन रहा है, बड़ी मस्त नींद आ रही है। दही भी खा लिया, चावल थोड़ा और ले ली थी सब चीज़ ख़त्म करनी थी, तो पूरा यहाँ तक खाना भर चुका है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहीं तो चलेंगे भाई, क्योंकि आज इनकी भी छुट्टी है, युवान की तो छुट्टी चल ही रही है, तो देखते हैं कहीं ना कहीं निकलते हैं। फिर तो पता नहीं कब मौका मिलेगा, इनकी छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं ऐसे बैक टू बैक, इनको आज कल परसों तीनों दिन छुट्टी है। चलो देखते हैं आज कहीं तो जाएंगे, कहीं नज़दीक में ही कुछ घूम के आते हैं बच्चों। तीन दिन इनको मिली है छुट्टी, अब छुट्टी वेस्ट कैसे जाने दूँ, है कि नहीं। मम्मी भी चल रही है हमारे साथ ही, मम्मी क्या देख रही है पता नहीं, छुट्टी कैसे वेस्ट जाने दें। हाँ और क्या, और कल मैं चली मायके तो दो दिन वैसे भी इनको आराम करना है, तो आज तो कहीं ना कहीं तो जाना ही था। और युवान को देखे, युवान आप कहाँ जा रहे हो, बीच पे, ये कैसे बैंड पहना है आपने सर पे, हाँ किस लिए, मिशन, ओह माय गॉड। सो युवान जा रहे हैं बीच मिशन पे, तो हम भी आज जा रहे हैं बीच, अक्सा बीच नहीं, दूसरी एक बीच आपको दिखाती हूँ। अक्सा बीच तो आपने देख ही ली थी, हम गए थे, अब घर पे बैठे बैठे बोर ही होते हैं, सोचा चलो बीच पे जाके वड़ा पाव खा के आते हैं हम सब खबुच्चड़ लोग जा रहे हैं वड़ा पाव खाने और थोड़ी बीच की ठंडी ठंडी हवा लेने और सनसेट एंजॉय करने, तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं। यस यस, पापा इज़ कमिंग बैक। तो भाई यहाँ से अगर आप अंदर जाएंगे ये लेन से तो आपको आ जाएगी अक्सा बीच, पर हम आगे जा रहे हैं दाना पानी बीच, वो भी बहुत अच्छा बना दिया अभी बैठने बैठने के लिए, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए हैं। सो भाई राइट जाएगा दाना पानी और सीधे जाएंगे मड मड आइलैंड जिसको जाना है, वहाँ पे भी हम जाएंगे एक दिन, आज चलिए हम चलते हैं दाना पानी बीच। स्काई दिस इज नॉट क्लीन, देखिए भाई चमक रहा है समुंदर एकदम, अब यहाँ पे सनसेट यहाँ वाला ही दिखता है, हाँ हमारे घर से दिखता है सनसेट, यहाँ पे अच्छा दिखेगा। सो आज हम सनसेट एंजॉय करने आए हैं, हाई टाइड है क्या, पानी पूरा यहाँ तक आ गया, चलो लेट्स पार्क। बीच तो ये भी इतना क्लीन नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन अब युवान को थोड़ा तो पानी के नजदीक ले जाना होगा, उसके बाद हम वहाँ पीछे जो अभी आते वक्त दिखाए वहाँ जाके हम लोग रेस्ट करेंगे। यहाँ से उतर के जाना है, चलो पीछे कांच लग जाएगा, दाना पानी बीच, लेकिन ये बीच उतनी कुछ मेंटेन नहीं है, और आपको दूर से दिखे यहाँ से वो पगोड़ा दिख रहा है, गोल्डन पगोड़ा है। युवान वहाँ भी नहीं गया एक दिन, उसको भी ले जाएगी, थोड़ी गर्मी में जाने लायक नहीं है, यहाँ पे भी लोग हैं, मैं इधर कभी नहीं आती थी क्योंकि गंदगी ऐसे देखिए आप मेंटेन नहीं करते, यहाँ पे क्लीन भी नहीं किया है, बट वहाँ पानी के यहाँ पे साफ लग रहा है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा, युवान के थोड़े तो पैर भिगा दे पानी में,
स्काई देखिए कि भाई एक फोर्ट उसको किनारा नहीं मिल रहा है और आपकी स्काई देखिए इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ चंगू मंगू मेरे आओ आओ पानी को बुला रहा है, उसको कहा था पानी में नहीं जाना है लेकिन जाना तो है युवान को। ए युवा पूरी छोटे छोटे ये शेल्स है सैंड में, स्मूथ नहीं है ये। और ये युवान फिर भी मान नहीं रहा है, चप्पल के बगैर ही खेल रहा है, क्या करे है तो बच्चा, दिल तो बच्चा है जी। पानी देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हम। स्टोर में आते ही पता नहीं क्यों मेरा कैमरा अपने आप ऐसा लगता नेचुरल कोई फिल्टर आ गया, इतना सुंदर सुंदर व्यू और फोटोज और पता नहीं कैसे वो कैमरा की क्वालिटी बढ़ जाती है। आप देखिए स्काई कितना सुंदर लग रहा है, और वहाँ पीछे दादी और पोता शेल्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ शेल्स नहीं है, जैसे कोरल्स छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े ऐसे हैं और पता नहीं क्या है। और वहाँ हस्बैंड जी पता नहीं क्या कर रहे हैं मोबाइल में, बताइए यहाँ आके भी वो मोबाइल में बिजी हैं। मैं भी हूँ ऐसे बिजी, लेकिन मैं आपके साथ नज़ारे एंजॉय करने में बिजी हूँ। और यहाँ मेरा चिकू बिजी है उसकी दादी के साथ। पानी देख के मेरे बेटे का एकदम वो हो जाता है, और ये हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, मज़ा आ जा रहा है। तो कहीं नहीं तो चलिए भाई बीच ही सही। सो ये है दाना पानी बीच, छोटा सा ही है और उतना कुछ साफ नहीं है ये कंपेरेटिवली। अक्सर बीच मेंटेन करके रखा, लेकिन कुछ कुछ काम चल रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी अब वो लोग करेंगे मेंटेन। अब आप ये स्काई देखिए ज़रा, ऑलमोस्ट सनसेट होने जा रहा है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो एक और पॉइंट है आगे जाके, जहाँ बैठ के आप आराम से एंजॉय करिए और बड़ा पाव खाइए, हम वहाँ जा रहे हैं। बीच से हम कर रहे हैं अलविदा, देख रहे हैं कितनी गंदगी है पीछे के साइड, बट ठीक है थोड़ा पानी में युवान को जाना था तो हम अब वहाँ जाके बैठ के थोड़ा वड़ा पाव और पता नहीं मैगी वैगी बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे, जैसे स्टॉल्स लगे पड़े हैं चाय वड़ा पाव मैगी, मैगी बहुत खाते हैं लोग, मैंने भी खाई है पहले। हाँ जो एकदम बीच में थी अब एकदम किनारे पे आ गई है अपने आप। पानी अपने अंदर कुछ नहीं रखता, सब बाहर फेंक देता है। रॉकी एरिया है छोटा सा, कुछ तो गार्डन जैसा बना है लेकिन चालू नहीं है कुछ। अब हम जा रहे हैं वहाँ, वहीं पे कहीं पे हम लोग थोड़ी देर शांति से बैठ के सनसेट एंजॉय करेंगे। देखिए ऐसे ये मिनी मरीन लाइंस की फीलिंग आएगी आपको, ऐसे पत्थर पत्थर है, ऐसे स्ट्रेच है पूरा, आप बैठिए आराम से यहाँ पे। और वो वहाँ पे है देखिए, वो अक्सा बीच है आपको दिख रहा होगा उधर से, और यहाँ से ये दाना पानी बीच शुरू होके वहाँ एंड तक था। सब इधर भी बैठे हैं, पत्थर भी है, पूरी मरीन लाइन वाली वाइब आती है। एंजॉय कर रहे हैं सनसेट का व्यू यहाँ से, युवान पी रहा है दूध गाड़ी में तो मम्मी बैठी है, और शशांक गए हैं वड़ा पाव लेने गरम गरम, बस आते ही होंगे। तब तक आप लोग देखिए, देखिए बस शांत और अच्छा लग रहा है। तो भाई देखिए हमने अपनी अपनी जगह ले ली है पत्थर पे। और वो रहा सिंह ढलता हुआ सूरज, अभी आपको दिखाती हूँ। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वेफर खा रहे हैं और एंड व्हाट आर वी डूइंग, ईटिंग आम एंड एंजॉयिंग द व्यू। ये चिंटू सा है मेरा बेटा, कह रहा है वी आर एंजॉयिंग द व्यू मम्मा, लेट्स एंजॉय द व्यू, बात नहीं करने दे रहा है, कैमरा ऑन नहीं करने दे रहा है, कह रहा है कि एंजॉय द व्यू। ये देखिए अब सूरज महाराज हो गए हैं सेट। युवान अभी सनसेट हो जाएगा, देखो युवान देखो। और ये आगे वड़ा पाव लेके, लेकिन इनके आने तक तो ऑलमोस्ट सूरज ढल चुका है। कम पापा कम, ये सनसेट हो गए।
ओह यस, ये देखिए ऊपर मून भी आ गया है, एरोप्लेन भी हो गए हैं और यहाँ पे सनसेट भी हो गया है। युआन को सब कुछ दिख जाती है। पत्थरों के बीच में आ गया चूहा। मम्मी मम्मी हो गई डर के मारे कड़ी। एक ये इंसान है देखिए, इनको डर नहीं लगता, डर के आगे जीत जा। उन्हीं के नीचे है चूहा, वहीं पे घूम रहा है और हम खा रहे हैं वड़ा पाव। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। पापा उठ जाओ भाई, वो वड़ा पाव सूंघ के चूहा भी ऊपर आ गया। तो बीच पर से घूम के आए तो सही, फिर लग गए किचन में, क्योंकि आज हमारी कुकनी आई थी शाम वाली, तो फटाफट से चिकन मंगाया, चिकन बनाया और खा लिया। जब ऐसे झटपट में ना चिकन सही रहता है, क्योंकि वेज भी इतना टिटिम्मा और सब्जी समझ में नहीं आती, चिकन फटाफट बना अच्छा भी बन जाता है और पेट भी भर जाता है। वेज के लिए भी था, बिकॉज सोनल और मम्मी नहीं खाते हैं तो उन लोगों ने पनीर खा लिया, हमने खाया चिकन। अब हो गया सब कुछ हजम, अब जा रहे हैं हम सोने। करते हैं आज का दिन यही खत्म। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी तो लाइक करिएगा। टाटा।